नमस्कार, स्वागत है मेरे चैनल में। आज हम लोग बनाने जा रहे हैं लौकी के कोफ्ते, एक प्योर वेज डिश। जैसे हम लोगों के बंगाली के घर में जैसे वेज हम लोग जब खाते हैं, हम लोग प्योर वेज मील बनाते हैं जिसमें हम प्याज लहसुन मतलब ऑनियन और गार्लिक यूज़ नहीं करते हैं, सिर्फ अदरक और मसाले जो है, और मसालों में भी जिस मसाले में ऑनियन वगैरह रहते हैं वो उसको हम अवॉइड करते हैं। तो वो सब मसाले डालेंगे और वेज बनाएंगे। और जैसे इस डिश को अगर कोई जैन मिल के हिसाब से बनाना चाहते हैं और खाना चाहते हैं वो ऑप्शन भी है। तो इसके लिए सबसे पहले हम दो लौकी लिए हैं और लौकी का साइज थोड़ा छोटा है। छोटा इसलिए है कि क्योंकि अगर हम छोटा लौकी लेंगे तो उसको हम ग्रेट करेंगे तो छोटे में ही आपका बहुत अमाउंट जो है क्वांटिटी काफ़ी बन जाता है। तो आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, पर ध्यान रखिएगा कि ये जो लौकी जो है वो आपका थोड़ा मतलब यंग हो, मतलब थोड़ा ज़्यादा आपका वो सीड्स वगैरह जो है वो ज़्यादा बड़ा बड़ा ना हो। तो क्योंकि हम लोग जब इसको ग्रेट करेंगे वो ग्रेटिंग के टाइम पे जो सीड्स जो है वो भी ग्रेट हो जाना चाहिए, ऐसा ना हो कि सीड्स आपका अलग से निकल के आए। तो सबसे पहले हम इसको अच्छे से वॉश करेंगे, फिर उसके बाद इसको छील लेंगे, छील के इसको हम ग्रेट करेंगे। ग्रेट करके फिर हम इसका जो डिश है वो बनाना चालू करेंगे। देखिए, अभी हम लौकी लिए हैं, इसको हम वॉश कर लिए हैं। अभी हम इसको ऐसे इसका जो फ्रंट पोर्शन है और इसका जो बैक पोर्शन है उसको ऐसे हम काट के फेंक देंगे। उसके बाद इसको हम ग्रेट कर लेंगे, सॉरी छील लेंगे ऐसे। देखिए, अभी हम ये दोनों लौकी अच्छे से छील लिए हैं। अभी हम इन दोनों को ग्रेट करेंगे। कोई भी ग्रेटर जो है आपके घर पे, जो नॉर्मल जो ग्रेटर होता है जो हम यूज करते हैं आपका वो गाजर वगैरह ग्रेट करने के लिए, सलाद बनाने के लिए, आप उसी ग्रेटर से इसको ग्रेट कर लीजिएगा। देखिए, मेरा जो लौकी जो है वो पूरा ग्रेट हो गया है, इतने अच्छे से बारीकी से देखिए ग्रेट हो गया है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें थोड़ा सा मसाले डालेंगे, जो मेन जो इंग्रेडिएंट्स है जो कि इसका फ्लेवर जो है इसको एनहेंस करेगा, वो मसाले अब हम इसमें मिला के फिर इसका कोफ्ता बनाएंगे। देखिए, मैं मसाला मैं पूरा यहाँ पे प्लेट में ले ली हूँ। हम इसमें डालने जा रहे हैं कश्मीरी मिर्च हाफ टी स्पून, आधा चाय चम्मच। ये है आपका छोले मसाला। छोले मसाला मैं ली हूँ दो, ये जो चम्मच आप देख रहे हैं इसका दो चाय चम्मच का छोले मसाला ली हूँ। एक चम्मच जीरा पाउडर, एक चम्मच धनिया पाउडर और डेढ़ चम्मच आपका हल्दी पाउडर। ये है आपका अजवाइन, ये अजवाइन है, ये एक चम्मच ली हूँ मैं। अगर आप चाहे तो आप इसको बढ़ा और घटा सकते हैं अपने स्वाद के हिसाब से, पर ज़्यादा मत डालिएगा। ये है आपका चीनी, शक्कर और ये है नमक। चीनी और मतलब शक्कर और नमक जो है वो अपने स्वाद अनुसार डालिएगा। अगर आप चाहते हैं तो आप चीनी को स्किप भी कर सकते हैं, शक्कर आप स्किप भी कर सकते हैं, पर हम क्योंकि बंगाली डिशेज में ये कोफ्ते वगैरह में थोड़ा सा मीठा स्वाद अच्छा लगता है, इसलिए मैं इसमें थोड़ा सा चीनी डालूंगी। और इसके साथ जो है हम लौकी में हम बेसन डालेंगे, वो प्रोसेस मैं आपको दिखाती हूँ कैसे क्या करना है, मसाला कैसे डालना है और फिर बेसन कैसे डालेंगे हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए, ये लौकी आ गया है। इसमें हम सबसे पहले इसमें हम कश्मीरी मिर्च जो है इसको डाल देते हैं। उसके बाद छोले मसाले डालते हैं। छोले मसाला जो है वो अगर आप जैसे चाहे, अगर आपको लगता है कि नहीं थोड़ा और डालना है तो आप डाल सकते हैं। इसमें कोई ऐसी कोई पाबंदी नहीं है कि इतना ही डालना है, आप अपने स्वाद के हिसाब से डालिएगा। मैं अभी हल्दी डाल रही हूँ। फिर ये है आपका धनिया पाउडर, ये है आपका जीरा पाउडर और ये सब हम एक साथ मिला लेंगे। अब
हम इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे। नमक अब आप अपने स्वाद जितना आपको लगता है कि ठीक है आप उस हिसाब से डालिएगा। और इसमें थोड़ा सा हम शक्कर भी डालेंगे। शक्कर को अगर आप चाहते हैं तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं तो आप इसमें हरी मिर्च काट बारीक काट के और धनिया जो फ्रेश धनिया आपको मिलता है वो बारीक काट के आप डाल सकते हैं। इसमें बहुत टेस्ट बहुत अच्छा आएगा, फ्लेवर भी बहुत अच्छा आएगा। देखिए मैं मिक्स कर ली हूँ मसाला पूरा इसके साथ। अब मैं इसमें थोड़ा सा बेकिंग सोडा जो है खाने का सोडा वो डालूंगी, लगभग आपका हाफ हाफ टी स्पून ये मैं डाल रही हूँ। देखिए आप चाहे तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, पर मैं डालती हूँ क्योंकि आपका जो पकोड़े जो होते हैं वो बहुत मतलब क्रिस्पी बनते हैं, बहुत अच्छा बनते हैं। और इसके बाद हम इसमें बेसन डालेंगे। बेसन आप अपने हिसाब से डालिएगा, देख लीजिएगा कि बाइंडिंग आपका अच्छा बने उस हिसाब से आप बेसन इसमें डालिएगा। ये देखिए मैं डाल रही हूँ, अब थोड़ा थोड़ा डालेंगे और ऐसे मिक्स करेंगे इसको ताकि मिक्सिंग आपका अच्छा हो। देखिए मिक्सचर मैं पूरा मिक्स कर ली हूँ, बेसन लौकी मसाले नमक हल्दी सब कुछ मिक्स हो गया है। अब हम इसको फ्राई करेंगे तेल में। आप सरसों तेल या व्हाइट ऑयल जो आपको ठीक लगे आप यूज कर सकते हैं। हम इसका छोटा छोटा पकौड़ा बनाएंगे और इसको फ्राई करेंगे। देखिए मैं तेल डाल दी हूँ यहाँ पे कढ़ाई पे, तेल गर्म हो गया है, सरसों तेल है, मैं सरसों तेल में पकौड़ा तलूंगी। और अभी आप देखिए मैं आपको दिखाती हूँ कि पकौड़ा कैसे तलना है और साइज क्या होना चाहिए। पकौड़ा हम छोटा छोटा बनाएंगे, ज्यादा बड़ा नहीं बनाएंगे, छोटे छोटे पकौड़े बनाएंगे। देखिए मैं दे दी हूँ, ये फ्राई हो रहा है। तेल गर्म हो जाने के बाद आप फ्लेम को लो कर दीजिएगा क्योंकि लौकी जो है वो कच्चा है, उसको वो पकना जरूरी है, इसलिए लो फ्लेम में आप इसको पहले पकने के लिए आप इसको छोड़ दीजिए। उसके बाद जब ये पक जाए जैसे कि ब्राउन हो जाए एक साइड, आप फ्लेम मीडियम कर सकते हैं, अगर आपको लगता है तो आप हाई फ्लेम कर सकते हैं। ये देखिए हो गया है, एक साइड हो गया है, हम अभी इसको पलट देंगे ऐसे। देखिए ब्राउन हो गया है पूरा, ये मतलब इस साइड जो है ये हो गया बन गया। अब ऑपोजिट साइड जो है उसको हम अभी पकने के लिए इसको रखेंगे। फ्लेम में लो रखी हूँ इसलिए क्योंकि आपका तेल जो है वो बहुत गर्म हो गया था, इसीलिए हम ऐसे इसको पूरा पका लेंगे। देखिए पकौड़ा पूरा आपका बन गया है, हम पक गया है पूरा। अब हम इसको तेल से निकाल लेंगे ऐसे। अगर आप चाहे तो आप देखिए ऐसे ऐसा पकौड़ा आपका ऐसा बनेगा। देखिए कितना सुंदर पका है इसका, एकदम गोल्डन ब्राउन कलर का बना है। आप भी ऐसे ही बनाइएगा और छोटा छोटा बनाइएगा, ज्यादा बड़ा मत बनाइएगा क्योंकि इसका हम जो ग्रेवी या रस्सा बनाएंगे वो रस्सा इसके अंदर जाना चाहिए। अगर रस्सा अंदर नहीं जाएगा तो इसका टेस्ट जो है वो उतना अच्छे से उभर के नहीं आएगा। देखिए पकौड़ा हमारा तल गया है, इतना सुंदर दिख रहा है ये। इसके बाद हम इसका बाकी जो मिक्सचर है उसका भी पूरा पकौड़ा बनाएंगे। देखिए पकौड़े सारे मैं तल ली हूँ, पूरा पकौड़ा पूरा बन गया है। ये पकौड़े को अगर आप चाहे तो चाय के साथ स्नैक्स एज अ स्नैक्स आप ले सकते हैं, कोई घर पे कोई मेहमान आते हैं तो आप इसको परोस सकते हैं। इसके ऊपर थोड़ा सा आप चाट मसाला डाल दीजिए या फिर अगर आप चाहे तो टोमेटो सॉस लीजिए, जैसे आपको अच्छा लगे, आपके स्वाद आपका टेस्ट जैसा लगता है, जिसके साथ आपको इसका टेस्ट सबसे ज्यादा अच्छा आएगा आप उस हिसाब से इसको परोस सकते हैं। और एकदम बहुत फटाफट बनता है, ज्यादा कुछ इंग्रेडिएंट्स भी नहीं है, सब हमारे घर पे अवेलेबल है। इसके बाद ये जो ये मैं आपको बस पकौड़ा तक दिखाई, पकौड़ा कैसे बनाते हैं। अगले वीडियो में मैं आपसे आपके साथ शेयर करूंगी कि इसका जो ग्रेवी आइटम है, जो भी आपका वेज ही है जिसमें हम फिर से प्याज या लहसुन का कोई इस्तेमाल नहीं करेंगे, वो कैसे बनाते हैं वो मैं आपसे शेयर करूंगी। और वो भी आपका एक ऑथेंटिक बंगाली प्रिपरेशन होगा। आप इसको टेस्ट करके मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा कि आपको कैसा लगा। आप लाइक कीजिए, प्लीज शेयर कीजिए इसको, आपको अच्छा लगे बुरा लगे जैसा भी लगे आप प्लीज मुझे फीडबैक दीजिएगा, मुझे अच्छा लगेगा। थैंक यू वेरी मच।
नमस्कार।